हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो इंडियन इकोनॉमी का लास्ट चैप्टर है। वो हम करने वाले हैं डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर्स। फाइन, यानी हम यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस हैं इंडिया के, उसका कंपैरिजन हम करने वाले हैं पाकिस्तान के साथ एंड चाइना के साथ, हमारे टू नेबर कंट्रीज़ के साथ। फाइन, सो ओवरऑल जो इस पूरे चैप्टर में हम उनके जीडीपी के बारे में, हम उनके एचडीआई इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड डिफरेंट सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन, तीनों कंट्रीज़ में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है, किस चीज़ में बेटर परफॉर्मेंस हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हम एनालाइज करेंगे इस वाले वीडियो में। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ओवर द लास्ट टू डिकेट्स और सो, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड हैज़ बोथ शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन फॉर ईच कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज का जो टाइम है वो हमारा ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। इंडिया ने जो 1999 में, सॉरी 1991 में जो इंडियन इकोनॉमिक, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑप्ट करी थी, वहाँ से इंडिया ने भी ग्लोबलाइजेशन में एंटर किया। और अगर हम देखें तो आजकल पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी आपस में इतनी ज़्यादा इंटीग्रेटेड है कि जैसे इंटीग्रेशन की वजह से ही क्या हो सकता है कि चांसेस होते हैं कई बार कि ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी आते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली में होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि हमारी जो पूरी कंट्रीज़ हैं, जो वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज़ हैं, वो आपस में जितना क्लोज आ सकती हैं हर तरह के ट्रेड में, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड है, टेक्नोलॉजी, इन सब में ये आपस में एक एक दूसरे के क्लोज आती जा रही हैं। ठीक है, तो यानी ट्रेड जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में, वो ट्रेड उतना ही इजी होता जा रहा है। फाइन, अब जब ट्रेड इजी होता जा रहा है तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके इन्वेस्ट कर रही हैं, सो ऑन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी जो कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया है, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि दूसरी कंट्री के मूव से, किस कोई भी पॉलिसी या कोई भी फ्रेमवर्क या कोई भी मूवमेंट से हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो इसीलिए हमें आसपास की इकोनॉमी के बारे में जानकारी रखना भी ज़रूरी है। और कंट्रीज़ आपस में हमारा बेसिकली वो जो कंट्रीज़ हैं उनका आपस में एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छा रिलेशन बनाने के लिए हमारे जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो डिफरेंट फॉर्मेशन फॉर्म करती है। डिफरेंट फॉर्मेशन यानी डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट करते हैं जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के साथ आते हैं, एक दूसरे के साथ फ्रीली ट्रेड करते हैं, सो दैट म्यूचुअली दोनों ही कंट्रीज़ या दो कंट्रीज़ या मेंबर कंट्रीज सभी को फ़ायदा हो। तो जितने भी ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए जो कंट्रीज़ हैं आजकल की, वो डिफरेंट ग्रुप्स फॉर्म करती है। एक बार रीड करते हैं हम। हमारा बेसिकली है, ओवर द लास्ट टू डिकेट्स हमने देखा कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपका ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा एनहांस हो रहा है। तो इसके इम्प्लीकेशंस लॉन्ग टर्म भी होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं। तो इस वजह से इन इम्प्लीकेशन को हमारी कंट्री के फेवर में बदलने के लिए जो कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो आपका रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स बनाती हैं। कुछ यहाँ पे ग्रुप्स के नाम दिए हुए हैं आपको, सार्क, यूरोपियन यूनियन, आसियान, G8, G20, ब्रिक्स, एट्सेट्रा। अब ये ग्रुप के नाम हैं, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में ग्रुप्स फॉर्म करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट अग्रीमेंट्स होते हैं आपस में, जो भी अग्रीमेंट्स रखने हो उनको वो अग्रीमेंट्स रखते हैं जो जिससे दोनों ही कंट्रीज़ का या ग्रुप मेंबर्स या जिनका फ़ायदा हो। और इससे क्या होता है, ये ग्रुप क्रिएट करते हैं जिससे दोनों ही जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको आपस में फ़ायदा होता है। फाइन, तो हम देखते हैं वो जो डिफरेंट हमारी कंट्रीज़ हैं वो किस तरह से फॉर्म करती हैं, और ये सार्क, ब्रेक या ये सारी आपके बेसिकली हैं क्या। जो आपका यहाँ पे मैंने सार्क के बारे में थोड़ा सा लिखा है, बाकी अगर आपको इससे ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप वो जो है सर्च कर सकते हैं। सो द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, दिस इज सार्क। ये हमारा सार्क का गिवन है जिसका फुल फॉर्म है हमारा द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ये रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड जियो पोलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट्स इन साउथ एशिया है। साउथ एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं, कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं आपके, अफगानिस्तान है, ठीक है,
अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। तो ये हमारे सार्क नेशंस भी कहलाते हैं, जो आपस में गवर्नमेंट के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज हैं, ये ट्राई करते हैं कि आपस में फ्री ट्रेड कर पाएं। फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि टैक्सेस एंड टैरिफ जो होते हैं, आपस में जब कोई ग्रुप फॉर्म करते हैं तो फ्री ट्रेड एरिया क्रिएट किया जाता है। कई लोग फ्री ट्रेड एरिया क्रिएट करते हैं, जिसमें बेसिकली हमारा क्या है कि जो ट्रेड्स हो रही हैं उसमें जो टैरिफ्स हैं और जो भी टैक्सेस वगैरह हैं वो कम से कम लगाया जाता है, और बिल्कुल फ्रीली ट्रेड जितना जितना फैसिलिटेट किया जा सकता है फ्री ट्रेड को, उतना किया जाता है। ठीक है, ये हमारे सार्क का डिटेल है। इसके बाद है हमारा द एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन, दिस इज आसियान, इसका फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, यहाँ पे एशिया भी इंक्लूड हो रहा है, साउथ ईस्ट एशिया है। वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक थाईलैंड। तो अब इसकी कौन कौन सी कंट्रीज है वो हम देख लेते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। राइट, तो ये हमारे आसियान कंट्रीज हैं, जिसमें बाकी कंट्रीज के बारे में भी इन्होंने डिटेल दी हुई है। तो ये भी आपस में वही है कि किस तरह से इनकी इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो, आपस में कैसे म्यूचुअली आपस में एक दूसरे को बेनिफिट करें, किस तरह से ट्रेड फैसिलिटेट करें, और जो इनको जो भी नुकसान है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कम से कम फेस करनी पड़े। तो इस तरह के ग्रुप्स फॉर्म किए जाते हैं। ब्रिक्स के बारे में आपको डिटेलिंग दी हुई थी, ब्रिक्स का मतलब है आपका यहाँ पे 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज है, बी ब्राजील, आर से है रशिया, आई से है इंडिया, सी से है चाइना एंड साउथ। पहले ये ब्रिक था जब आपका साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन नहीं किया था, सिर्फ ये 4 कंट्रीज थी। अभी आपका जो है वो साउथ एशिया ने, साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो द ब्रिक्स मेंबर आर नोन एज फॉर द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन रीजनल अफेयर्स पे ये करते हैं। सिंस 2009 द ब्रिक्स नेशन हैव मेट एनुअली एट फॉर्मल समिट्स। ठीक है, तो इनके एनुअली मीटिंग्स होती हैं जिसमें कुछ मेजर इश्यूज डिस्कस करते हैं, तो जो भी इश्यूज हैं उसके साथ ये डिस्कशन होता है। इसके बाद आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यूरोपियन यूनियन का, बहुत ज़्यादा भी डिटेल में जाएंगे नहीं बिकॉज ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस आपको ये टॉपिक या वर्ड यूज़ किए गए हैं तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने टॉपिक कुछ अलग से इंक्लूड किए हैं। द यूरोपियन यूनियन इज अ पॉलिटिकल, यूरोपियन यूनियन जब बात होती है ना ईयू की, यूरोपियन यूनियन की, तो इसको हमें कहा जाता है कि इनके कॉमन मार्केट क्रिएट करते हैं। आपको कहीं पे लाइन लिखी हुई होगी दैट दिस इज अ सिंगल मार्केट एंड इंटरनल, एक सिंगल मार्केट होता है इनका। इसका मतलब क्या है कॉमन मार्केट का, यूरोपियन यूनियन में तो करेंसीज भी सेम होती हैं, बिल्कुल ट्रेड फ्री है, कोई बाउंड्रीज ही नहीं है आपस में कंट्रीज में। सो ईयू इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 मेंबर स्टेट्स दैट आर लोकेटेड प्राइमरीली इन यूरोप। इट्स मेंबर्स हैव अ कंबाइंड एरिया ऑफ 10 किलोमीटर एंड टोटल पॉपुलेशन इतनी है। इंटरनल सिंगल मार्केट, इंटरनल सिंगल मार्केट का मतलब है दैट यू डोंट हैव टू चेंज द करेंसी, क्योंकि अगर करेंसी चेंजेस है तो थोड़ा टाइम लगता है। इंटरनल सिंगल मार्केट फ्री है, बिल्कुल सिंगल मार्केट की तरह इनका मार्केट डील होता है, यानी 27 मार्केट में आपको रियलाइज नहीं होगा। जैसे हमारे 20 हमारे जितने भी स्टेट्स हैं ना, हम कैसे आपस में फ्रीली ट्रेड कर रहे हैं, वैसे ही यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं, और इनका सबका सेंट्रल बैंक भी एक होता है। ठीक है, सेम करेंसी सेम सेंट्रल बैंक, राइट। स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ लॉज दैट अप्लाई इन ऑल नंबर ऑफ स्टेट्स टू दोज मैटर्स एंड ओनली दोज मैटर्स वेयर मेंबर्स हैव एग्रीड टू एक्ट एज ओन। तो यहाँ पे वही मेंबर्स होंगे जिन्होंने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री किया हुआ है। EU policies aim to ensure the free movement of people, यानी freely move करें people आपस में goods, services and capital within the internal market. ठीक है, this is all about the EU, European Union. Next is G8 refers to the group of 8 highly industrialized nations. अब ये G8 word use किया गया था जिसमें कौन कौन से हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK, जापान, US, Canada and Russia. तो ये सारे हमारे G8 countries हैं जो आपस में मिलते हैं, और ये इश्यूज अपने आपस में जो भी इश्यूज हैं उसको डिस्कस करते हैं कि अपनी इकोनॉमी जो जितनी भी 8 कंट्रीज है वो अपनी इकोनॉमी को कैसे ग्रो कर सकते हैं, और भी जो भी रिलेटेड इश्यूज हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं। वैसे ही G8 की तरह G20 बना हुआ है, एज एन इंटरनेशनल फोरम फॉर गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक 19 कंट्रीज में है, तो आप इसकी डिटेलिंग और भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जो है कंट्रीज आपस में ग्रुप क्रिएट करती हैं, सो दैट ये आपस में ट्रेड को और ट्रेड को एनहांस कर पाए, कंट्रीज आपस में रीजनली कोऑर्डिनेट करें एक दूसरे को,
ताकि ये एक दूसरे के साथ ग्रो करें, एक दूसरे के सामने ना आए, एक दूसरे कंपटीशन ना करें, सब साथ ग्रो करें, इनका ये एजेंडा होता है। तो इसके बाद है, इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन कंट्रीज फेस कंपटीशन इवन फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, सो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर इकोनॉमीज इन आर नेबरहुड। तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन के बारे में अगर हमें रीजनल फॉर्म करनी है, रीजनल ग्रुपिंग्स फॉर्म करनी है या जितनी भी चीज़ें हैं, तो हमें अपनी नेबर कंट्रीज के बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि भाई हमारी कंट्री के क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या हम उनसे सीख सकते हैं। तो इसीलिए आपस में कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हेल्दी कंपैरिजन, राइट। सो अब अगर आप देखेंगे कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एक हम ऑलमोस्ट बाउंड्री जो बॉर्डर्स हैं वो शेयर करते हैं, लेकिन जो तीनों कंट्रीज हैं, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, इन तीनों ही कंट्रीज का जो पॉलिटिकल सेटअप है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। पॉलिटिकल सेटअप, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, चाइना इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, राइट, कमांड इकोनॉमी, एंड पाकिस्तान में अभी आपकी डेमोक्रेसी है लेकिन ज्यादातर वहां पे मिलिट्री की पावर चलती है। तो तीनों ही कंट्री का पॉलिटिकल सेटअप अलग है। तो ऑलमोस्ट अगर हम बोलेंगे इकोनॉमी डिफरेंट है, पॉलिटिकल सेटअप डिफरेंट है, तो काम करने के तरीके डिफरेंट होंगे, तो इसमें बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं है, राइट। तो ये हमारा पॉलिटिकल सेटअप है इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान का। अगली वीडियो में हम इनके डेवलपमेंटल पाथ के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।